अभी ये जो फोटो आप डिस्प्ले पर देख रहे हो ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई कैमरा या फिर डी से कैप्चर किया गया है लेकिन एक्चुअली में इसे Redmi Note 7 स्मार्टफोन से कैप्चर किया गया है जो ओरिजिनल फोटो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है और इसके ऊपर स्नैपसीड और लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी हैवी एडिटिंग किया गया है स्नैपसीड के अंदर इस फोटो की बैकग्राउंड ब्लर को इनक्रीज़ किया गया है और लाइटरूम में इस फोटो के ऊपर कलर ग्रेडिंग किया गया है तो फोटो में जो फेडेड इफेक्ट आप देख रहे हो उसको लाइटरूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किया गया है और इस तरीके का फोटोग्राफी पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है तो अगर आप भी ऐसा एक फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो उसको आप कैसे कर सकते हो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो तो सबसे पहले आप एक फोटो कैप्चर कर लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पर इस पत्ते का फोटो कैप्चर कर रहा हूँ तो यहाँ पर पत्ते के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस रखते हुए मैं एक नॉर्मल सा फोटो कैप्चर कर लेता हूँ अब उसके बाद आप अपनी फोटो को स्नैपसीड के अंदर ओपन कर लीजिए अब फोटो ओपन हो जाने के बाद आप सबसे पहले टूल के अंदर जाइए और और फिर हीलिंग टूल को चूज कर लीजिए और फिर ये जो पत्ते हैं इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से और फिर उस पत्ते को आप फोटो में से रिमूव कर लीजिए और यहाँ पर से इसको अप्लाई कर दीजिए अब उसके बाद आप टूल के अंदर जाइए और यहाँ पर ये जो लेंस ब्लर टूल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए ये जो राउंड शेप है उसको आप पूरा कम कर दीजिए जितना कम कर सकते हो आप कम कर दीजिए उसके बाद इसका जो ट्रांजिशन है उसको भी जीरो कर दीजिए और फिर जो ब्लर ओपोजिटिव है उसको आप हंड्रेड कर दीजिए और फिर ये जो बटन है इसको आप कहीं नीचे की तरफ इस तरीके से प्लेस करके इसको यहाँ पर से अप्लाई कर दीजिए ओके okay, उसके बाद आप फिर से टूल के अंदर जाइए डबल एक्सपोजर के अंदर जाइए और जो फोटो आपने पहले ओपन करे थे सेम फोटो को आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर लीजिए तो मैं यहाँ पर से अपने फोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ अब उसके बाद आप फ़ोटो को रोट करिए और फोटो को सही तरीके से इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए कुछ इस तरीके से अब फोटो को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद इसका जो ऑपोजिट है उसको आप पूरा हंड्रेड परसेंट करके यहाँ पर से इसको अप्लाई कर दीजिए अब उसके बाद आपको ऊपर की तरफ ये जो शेयर बटन दिखता है उसके पास ही जो बटन आपको देखने को मिलता है आप सिंपली उसके ऊपर टैप करिए व्यू एडिट्स के अंदर जाइए और यहाँ पर डबल एक्सपोजर के ऊपर और एक बार टैप करके बीच का जो ब्रूस बटन है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए अब उसके बाद ये जो डबल एक्सपोजर का ऑपोजिट है उसको आप हंड्रेड रखिए और यहाँ पर बीच के एरिया में आप कुछ इस तरीके से ब्रूस करिए ताकि ये जो पत्ते हैं ये पूरा भिज बल हो सके तो यहाँ पर पत्ते अच्छी तरीके से विजिबल हो चुका है लेकिन बाहर का काफ़ी सारा एरिया आ चुका है जिसको हमको रिमूव करना है तो उसके लिए ये जो डबल एक्सपोजर का ऑपोजिटिव है उसको हम पूरा ज़ीरो कर देंगे और फिर बाहर का जो एरिया है उसको इस तरीके से ब्रूस करते हुए कुछ इस तरीके से हम रिमूव कर देंगे इसको आपको बहुत ही बखूबी से करना है तो आप फोटो को पूरा जूम करिए और कुछ इस तरीके से बाहर की एरिया को रिमूव कर लीजिए अब अगर बैकग्राउंड को रिमूव करते हुए बाय चांस अगर आपकी फ़ोटो की कोई भी एरिया रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर आप डबल एक्सपोज़र को फिर से हंड्रेड करके उस एरिया को रिकवर कर सकते हो कुछ इस तरीके से और फिर आप डबल एक्सपोज़र को फिर से ज़ीरो करके बाकी एरिया को रिमूव कर लीजिए और इस तरीके से आप पूरे फोटो में से बाहर के एरिया को रिमूव कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में बैकग्राउंड को रिमूव कर लिए है और नीचे की तरफ़ मैंने काफ़ी सारे पत्ते को छोड़ दिए हैं और सिलेक्शन भी मैंने बहुत ही रफली करे हैं तो बाकी काम चलाने जैसा हमारा हो चुका है आप टाइम लेकर बहुत ही बखूबी से इसको करिए तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब ये हो जाने के बाद आप यहाँ पर से इसको अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आप इस फ़ोटो को यहाँ पर से सेव कर लीजिए अब उसके बाद आप उस फोटो को लाइट के अंदर ओपन करिए कलर ग्रेडिंग के लिए तो यहाँ पर हमने फोटो को ओपन कर लिए है सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है क्रॉपिंग तो हम नीचे की तरफ से और साइड से थोड़ा क्रॉपिंग करेंगे दैट्स ओके okay, अभी हम यहाँ पर से इसको अप्लाई कर देते हैं उसके बाद हम जाते हैं लाइट टैब के अंदर यहाँ पर से हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और जो शेडो है उसको थोड़ा रिकवर करेंगे फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे अपनी फ़ोटो में अब उसके बाद हम कर्ब के अंदर जाएंगे क्योंकि हमें अपने फोटो के ऊपर एक फेडेड इफेक्ट देना है तो यहाँ पर हम कलर वाइट को चूज़ कर लेंगे और कर्ब को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है आप ज़रा ध्यान से देखना इधर से आपको थोड़ा आगे ले करके जाना है फिर इसको यहाँ पर से नीचे खींचना है और फिर ये जो कर्व है इसको आपको थोड़ा आगे ले जाना है कुछ इस तरीके से तो आपके फोटो के ऊपर फेडेड इफ़ेक्ट आ जाएगा अब ये जो नीचे का कर कर्व है इसको आप जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना कर, जो फेडेड इफेक्ट है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक है तो हम उतना नहीं चाहते हम लगभग इतना ठीक है हम यहाँ पर से उसके बाद डन कर देते हैं ओके अब फोटो में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हमें ऐड करना होगा तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे दैट्स ओके okay. अभी उसके बाद हम जाते हैं कलर टैब के अंदर और यहाँ पर सबसे पहला काम हम करेंगे वो है वाइट बैलेंस को एडजस्ट करेंगे ओके okay. ओके okay. उसके बाद अगर आप फोटो की वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इंक्रीज़ करिए यह यहाँ पर से मैं ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करूँगा ठीक है उसके बाद हम जाते हैं मिक्स टूल के अंदर जो कलर है उसको येलो को चूज़ कर लेते हैं और इसको ग्रीन की तरफ ले करके जाते हैं येल्लो की जो सिचुएशन है उसको हम माइनस कर देते हैं और इसका जो लूमियंस है उसको भी माइनस कर देते हैं फिर जो ग्रीन कलर है ये हमारा मेन कलर है फ़ोटो का तो इसको हम थोड़ा बूस्ट करेंगे दैट्स ओके okay. फिर बाकी जो कलर्स है उसको हम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप अपने फोटो के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए दैट्स ओके okay, अभी हम यहाँ पर से इसको डन कर देते हैं अभी उसके बाद हम जाएंगे इफ़ेक्ट टैब के अंदर और यहाँ पर ये यह जो डीहेज है उसको हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे और फिर जो टेक्स्चर है उसको भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे अब ये हमारा लगभग काम हो चुका है वनीडिंग को हम थोड़ा कम करेंगे और फिर जो फेदर है उसको हम हंड्रेड कर देंगे डिटेल स्टेप के अंदर जाकर फोटो की जो शार्पनेस है और ये जो रेडियस है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और मास्किंग को थोड़ा हम यहाँ पर से एडजस्ट कर लेंगे अब मास्किंग टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मास्किंग टूल का, का काम पता नहीं है तो उसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये तो उसका वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको लिंक मिल जाएगा तो उस वीडियो को आप देख लेना अब इस फोटो में लाइट थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर सॉरी एक गलती कर दी अभी मैं लाइट के अंदर जाता हूँ और ये जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा आगे ले करके जाता हूँ दैट्स ओके अभी हमारा काम लगभग लगभग हो चुका है तो ये हमारा फ़ोटो रेडी हो चुका है जो हमने एक नॉर्मल से फोटो को एक बहुत ही कमाल के फ़ोटो में कन्वर्ट कर लिए हैं अभी अगर आप इसके ऊपर कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करना चाहते हो जैसे कि सिलेक्टिव टूल के अंदर जाकर अगर आप ऊपर की तरफ़ से एक लाइट इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हो यहाँ पर से मैं लाइट इफेक्ट को थोड़ा ऐड करता हूँ ऐसा लगेगा जैसे कि सूरज ऊपर की तरफ है तो फोटो दिखने में भी अच्छा लगेगा ओके दैट्स ओके यहाँ पर से इसको डन कर देते हैं ओके तो कुछ इस तरीके का फोटो अभी हमारा बन चुका है अभी हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अपने बहुत ही बेसिक से देखने वाले एक फोटो को कुछ ऐसे बहुत ही कमाल के फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर थैंक्स फॉर वॉचिंग